दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करते हैं मोनोसेफ ओ 100 mg सस्पेंशन के बारे में। ये क्या काम में आता है और जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने इयर्स कितने साल के बच्चे को इसका यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार मोनोसेफ ओ सस्पेंशन का यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार मोनोसेफ ओ 100 mg सस्पेंशन का यूज करना चाहिए और जानेंगे इसकी पैकिंग के बारे में, ये कितने टैप कितने ml की पैकिंग में ये आता है और जानेंगे साथ ही साथ इसकी कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है और जानेंगे साथ ही साथ इसके MRP प्राइस के बारे में, इसका MRP प्राइस क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं यानी आपका दोस्त राजेश, मैं आपको मोनोसेफ ओ 100 mg सस्पेंशन की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंदर तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं मोनोसेफ ओ 100 mg सस्पेंशन के बारे में, ये क्या काम में आता है। मोनोसेफ ओ 100 mg सस्पेंशन डॉक्टर के लिखे पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है। इसका इस्तेमाल खास तौर से और ये एक दवा का मिश्रण है। इसका इस्तेमाल खास तौर से फॉर चिल्ड्रंस यूज, इसको सिर्फ बच्चे ही यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल खास तौर से बच्चों को खांसी आना, कफ आना, जुकाम होना या बुखार होना, पेट में इन्फेक्शन होना, लेटरिंग का बारवा आना, पेट में ठंड लगने के कारण टाइफाइड बुखार होना या मलेरिया होना, फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, सांस खुल के ना आना, कट जाना या फट जाना, किसी भी प्रकार की चोट लगने के कारण जख्म होना, खुजली होना या पूरे शरीर पर दाने निकल आना। तो दोस्तों हम इस कंडीशन में मोनोसेफ ओ 100 mg सस्पेंशन का यूज हम करते हैं। और दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं मोनोसेफ ओ 100 mg सस्पेंशन के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए, कितने ईयर्स कितने साल के बच्चे को इसका यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार मोनोसेफ ओ 100 mg सस्पेंशन का यूज करना चाहिए। इसका यूज करना चाहिए दोस्तों 1 ईयर्स 1 साल से 2 साल तक के बच्चे को 2-2 ml सुबह और शाम खाना खाने के बाद या दूध के साथ इसका यूज करना चाहिए और बाकी का आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार मोनोसेफ ओ 100 mg सस्पेंशन का यूज करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। मोनोसेफ ओ 100 mg सस्पेंशन का साइड इफेक्ट क्या है। दोस्तों इसका साइड इफेक्ट, आप जो भी कुछ कॉमन मेडिसिन लेते हैं उसके भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों, जैसे कि पेट में गैस बनना, पेट का फूल जाना, उल्टी आना या जी मिचलाना, डायरिया बनना, आपके बच्चे को ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं हो रहा है तो आप इसका यूज करना तुरंत ही बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, इसका कॉम्बिनेशन क्या है। मोनोसेफ ओ 100 mg सस्पेंशन का कॉम्बिनेशन है दोस्तों सिफोडॉक्सिम 100 mg सस्पेंशन, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका साल्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसकी पैकिंग के बारे में, ये कितने ml की पैकिंग में ये आता है। ये आता है दोस्तों 18 ग्राम, 80 ग्राम और 30 ml की पैकिंग में ये आता है और जान लेते हैं साथ ही साथ इसके MRP प्राइस के बारे में, इसका MRP प्राइस क्या है। इसका MRP प्राइस है दोस्तों 174 rupees 60 paise, ये इसका MRP प्राइस है। और दोस्तों जान लेते हैं साथ ही साथ इसके कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है। इसको बनाती है दोस्तों मार्केटेड इन इंडिया बाय अरिस्टो फार्माट्रिकल्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। और जान लेते हैं दोस्तों आपको ये सभी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। आप इसको मोनोसेफ ओ 100 mg सस्पेंशन के नाम से आप इसको सभी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आप इसको लेने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताएं। ऐसी नई नई वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द मेडिसिन नॉलेज को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हम फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए द मेडिसिन नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।